नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिंसिपल साहब, मैं आपका दुख समझता हूं। ये आपके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। आपको संयम से काम लेना होगा। आपकी बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, उसे न्याय दिलाने में हम सब आपके साथ हैं। ये बच्चे गवाही देने के लिए तैयार है कोर्ट में। सर, सर इसे आप हमारी गुरु दक्षिणा समझिए। सर आप भी इन बच्चों की बातों में आ गए। आप तो देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हें FIR दर्ज करानी पड़ेगी। पापा, अब कमजोर नहीं हो सकते पापा। उन लोगों के खिलाफ FIR ना करा के आप उनको सपोर्ट मत करो। उन्होंने मेरी दी के ठीक है, FIR लॉन्च कीजिए। मैडम प्रोसिक्यूटर, प्लीज प्रोसीड विद द केस। मिलॉर्ड, 19 अप्रैल की शाम 7 बजे विक्टिम अपने घर से निकलती है अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। रात को 11 बजे जब वो लौटती है तो रास्ते में 3 दरिंदे बड़ी सी SUV में उसे किडनैप कर लेते हैं और चलती गाड़ी में उसका गैंग रेप करते हैं। अगर विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट देखी जाए मिलॉर्ड, तो रेप शब्द भी बहुत छोटा पड़ता है। उसकी किडनी उसकी बॉडी के बाहर थी और वो आज भी कोमा में है। SP तेजवीर सिंह की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बरामद सारे एविडेंस और मेडिकल रिपोर्ट अभी अभी आपको सौंपी गई है मिलॉर्ड। मैं आपसे दरखास्त करती हूं कि परमिशन दी जाए कि मैं SP तेजवीर से कुछ सवाल पूछ सकूं। परमिशन ग्रांटेड। SP तेजवीर सिंह, आप अदालत को बताइए कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको क्या क्या मिला। योर ऑनर, ये वही लड़के हैं जो उस रात विक्टिम को हॉस्पिटल लेके गए और इन्हीं के बयान के मुताबिक हमने उस इलाके की इन्वेस्टिगेशन की। मैं इन बच्चों को लेकर घटना वाली जगह पर पहुंचा जहां पर उन्हें यह लड़की मिली थी। इन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां पर लड़की को SUV गाड़ी से फेंका गया। उस जगह का मुआयना करने के बाद हमें कुछ खून के निशान मिले जो लड़की के ब्लड सैंपल से मैच कर गए और फिर आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि एक SUV गाड़ी जारचा रोड पर खराब हुई थी और सारी रात वहां खड़ी रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो गाड़ी वहां नहीं थी, मगर हमें हेडलाइट के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले और एक टूटी हुई बोतल भी, जिसने मेरे शक को और पुख्ता कर दिया। फिर हम पूरी टीम के साथ जुगत में लग गए और हमने बड़ी गंग नहर से वो SUV बरामद कर ली जिसे इन लोगों ने घटना के बाद डुबो दिया था। नंबर प्लेट से गाड़ी के मालिक का पता लगाना मुश्किल नहीं था। फिर 3-4 दबिशों और कुछ लोकल्स से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद एक फार्म हाउस से हमारी टीम ने इनको अरेस्ट कर लिया। वैसे काफी तेज भाग लेते हैं। अब यकीनन मेरे काबिल दोस्त कुछ सवाल करना चाहेंगे। आपकी रिपोर्ट बहुत इंप्रेसिव है। एक ही हियरिंग में केस सॉल्व कर दिया आपने। जनाब, ये जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं वो गाड़ी 15 दिन पहले चोरी हो गई थी। पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR की ये रही कॉपी। जनाब, मेरी ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है
कि केस को स्टडी करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए। मिलोर्ड, प्रोसिक्यूशन की भी दरखास्त है कि इन तीनों को पुलिस कस्टडी में लेने के बाद ही केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए। प्रमोद साहब, आपको 3 दिन की मोहलत दी जाती है, तब तक के लड़के पुलिस कस्टडी में रहेंगे। नेक्स्ट हियरिंग 3 दिन के बाद, कोर्ट इज अडजर्न्ड। I'm sure उन तीनों को फांसी की सजा होगी। वीडी, रोशनी को समझाओ ना, वो सुबह से रो रही है, उसे संभालो ना प्लीज। मैं क्या समझा पाऊँ? नहीं, मैं नहीं समझा पाऊँ, मेरा तो खुद ही दिल बैठा। अरे तुम क्यों रो रही हो? मैं बात करता। मैं जानता हूँ ना, कुछ नहीं होगा उनको, मैं विद्या माता की कसम, कुछ आंदोलन नहीं चाहिए। एसपी साहब, मीडिया को इस सबसे दूर रखो और जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करो। बात समझ में आई? आप कुछ करोगे भी या बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? जी, उसी काम पे लगे हुए हैं सर। सुनवाई का वक्त हो गया दादाजी, चलिए। देखो बेटा, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। क्यों? मुझे यहीं रहने दो, तुम जाओ, तुम संभाल लो। Are you sure? मैं यहीं कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। Don't worry, बाहर की सारी सेटिंग तो आप करिए, यहाँ मैं संभाल लूंगा। बच्चे आज छूट जाएंगे। प्लीज सिट डाउन, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब, इन 3 दिनों की जांच पड़ताल ने इस केस को पानी की तरह साफ कर दिया है, लेकिन मेरी रिस्पेक्टेड कोलीग इसमें रंग भरकर इसे रंगीन बनाना चाहती हैं। जिस रात यह घटना घटी उस रात ये यहां थे ही नहीं। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जनाब, जिस रात की घटना के लिए इन बेगुनाहों पर रेप का आरोप लगाया जा रहा है, उस रात ये लोग मुंबई में थे। जनाब, ये रहे इनके होटल के बिल्स, इनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स, इनकी फ्लाइट की टिकट्स, और ये रहे मुंबई में सेमिनार अटेंड करने के लिए इनके पासेस। और जनाब, ये रहा मुंबई में अलग अलग जगहों पर ATM मशीन इस्तेमाल करते हुए इनका CCTV फुटेज। मेरे ख्याल से ये सबूत काफी हैं जयश्री जी, या फिर कुछ और पेश करो। मी लॉर्ड, ये सारे सबूत नकली, गलत और फर्जी हैं।
मैम, मुझे तो लगता है आपकी डिग्री ही फर्जी है। What? You're talking to a gold medalist from a reputed law college? Of course I have a degree. I would appreciate if you would. आपके पास डिग्री है ना? Obviously. तो एक कागज का टुकड़ा जो ये बताता है कि आपने लॉ किया है, आप कोई फर्जी वकील नहीं। बिल्कुल उसी तरह मेरे ये कागज के टुकड़े भी सबूत हैं, फर्जी नहीं है। तो जनाब, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि विटनेस बॉक्स में उन तीन लड़कों को बुलाया जाए जिन्होंने विक्टिम की जान बचाई। परमिशन है। हाँ, तो आप लोग कोर्ट को अपना अपना नाम बता दीजिए। जी, राम राघवेंद्र प्रताप चौधरी। अनिल गिरीश शर्मा। बेटी, पूरा नाम बताइए। विक्रम त्यागी। अपने अपने गांव के नाम बताइए। जी, अरमोला। ललित नगर। रामपुर। जनाब, जहां तक मैं जानता हूं, ये तीनों गांव इंसिडेंट साइट से तकरीबन 25 और 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप लोग रात को 1 और 1.5 बजे के बीच अपने अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर विक्टिम को बचाने आए थे। जी नहीं सर, हम लोग शहर में रहकर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इतनी रात गए, वहां कर क्या रहे थे आप? रोड पे एग्जाम्स की तैयारी? जी, हम टहलने निकले थे। आप कह रहे हैं एग्जाम्स देने आए थे, आप कह रहे हैं टहलने निकले थे, आपको कुछ और कहना? सर, वो एक्चुअली सर, वो मैं बताती हूँ। मैं इनसे पूछ रहा हूँ जनाब, बताइए। सर, वो हम निशा के घर पर रहकर कंबाइंड स्टडीज कर रहे थे। अब ये निशा कौन? सर, वो निशा मैम की। निशा मेरी बेटी है। ये तीन बच्चे मेरे घर में रहकर मेरी बेटी निशा के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे थे। ग्रुप स्टडी कोई गुनाह नहीं, लेकिन गैंग रेप बहुत बड़ा गुनाह है। जनाब, इन लड़कों को पिछले 6 महीने में प्रिंसिपल साहब 3 बार सजा दे चुके हैं। कहीं यही तो वजह नहीं कि प्रिंसिपल साहब से बदला लेने के लिए पहले उनकी बेटी के साथ ये घिनौनी हरकत की और फिर तीनों ने मिलकर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। और जनाब, जो भी एविडेंस मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए हैं, वो सभी एसपी तेजवीर सिंह ने ही कलेक्ट किए हैं। ये सारे एविडेंस सरासर फैब्रिकेटेड है मिलॉर्ड। ये डिफेंस का एक नया हथकंडा है गुनहगारों को बेगुनाह साबित करने। आपके पास और कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। जनाब, मेरी ऑनरेबल कोर्ट से हम्बल रिक्वेस्ट है, इन तीनों को अगले 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा जाए और इस केस की नए सिरे से तफ्तीश की जाए। कुछ फैसला सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए। एक मिनट। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं इस 3x3 के कटघरे में आके आदमी की सोच कैसे बदल जाती है। साला सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और बदल कब जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों एसपी साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आप जो कहने आए हैं वो कहिए, यहां खड़े होकर कॉमेडी मत कीजिए। कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, मेरे बेटे की जगह जब तुम्हारा बेटा खड़ा होगा तब पता चलेगा। जस साहब, मैंने ना इन लोगों को समझाया था कि किसी के फटे में टांग नहीं डालते, अपनी टांग फंस जाती है। अब फंस गई। हम आम लोग समझौतों के साथ जिंदगी गुजार देते हैं पर बदलाव नहीं चाहते। पर ये बात ये बच्चे नहीं समझे, कहने लगे कि हम युवा हैं, हम रिस्क लेंगे, बदलाव लाएंगे हम। पर इन्हें ये नहीं पता कि ये यहां जिस इमारत में बदलाव लाने की बात सोच रहे हैं वो 100 साल पुरानी है। ये इस इमारत में कुछ बदलाव हुआ नहीं। यहां बोले जाने वाली भाषा भी 100 साल पुरानी है, उस भाषा में कोई बदलाव हुआ नहीं। यहां होने वाले फैसलों के पीछे की सोच भी 100 साल पुरानी है, उसमें कोई बदलाव हुआ घंटा भी नहीं हुआ। कोर्ट की मर्यादा को ध्यान में रखिए आप। समझ आऊंगा जैसा, बच्चों की हालत नहीं देखी जा रही। क्या है ना कि इतने दिनों से बदलाव बदलाव सुन रहा था इनके मुंह से तो, और क्रांति क्रांति खेल रहे थे सब। हो गया मेरे को बस थोड़ा सा। ये बदलाव लाए हम लोगों की जिंदगी में। पहले इन्हें देख के जी रहे थे, अब घुट घुट के मर रहे हैं।
मुझे गर्व है उन माँ बाप पे जिनके पास सच को झूठ बनाने के संसाधन है, और शर्म आती है मुझे खुद पर कि मेरे पास इतने भी साधन मौजूद नहीं है कि मैं सच को सच साबित कर सकूं, इन लोगों को बचा सकूं। मैं जज साहब आप सही कह रहे हैं, मैं इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो कल को कोई भी आम आदमी आकर इंसाफ मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा यहां पर। इंसाफ तो सिर्फ ये सेटिंग वाले लोगों के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। फांसी पे चढ़ा दो फांसी पे इनको। स्पीच तो बहुत मोटिवेशनल थी जनाब, लेकिन अदालत इमोशन नहीं, एविडेंस मांगती है। जयश्री आप कुछ कहना चाहती हैं? नो मी लॉर्ड। यह अदालत इन तीनों लड़कों को 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश देती है। थैंक यू जनाब। अगली सुनवाई 8 दिन के बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर हमने कुछ नहीं किया सर, सर हमने कुछ नहीं किया सर, सब प्लीज सर, सर आप निर्दोष साबित कर रही थी उन्हें आज रिमांड पे भेज दिया गया। It's not working, Baba. Baba, khabar khe no? Amar khite nahi, khabo na. क्या हुआ ये दादाजी? बाबा खाना नहीं खा रहे हैं। बाबूजी। बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मन नहीं, भूख नहीं। देखो जब मैंने कारगिल में अपना इकलौता बेटा खोया तब मैं 55 साल का था, लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके वो दर्द कम हो गया। देखो अब इकलौता बेटा खोकर भी आज भी जिंदा हूं, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम इस तरह से हिम्मत हारोगे तो इन बच्चों को कौन देखेगा? इन्हें फौरन यहां से निकालिए। जी सर। और इनका हुलिया बदल के इनकी फैमिली से मिलवाइए। सर कल सुनवाई है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। सर सीनियर ऑफिसर हैं आप,
अपनी जिम्मेदारी समझिए। जी सर। संतोष, तीनों लड़कों को निकालो। अगर मैंने ने कंबाइंड स्टडी का आइडिया ना दिया होता, आज इनकी हालत नहीं होती। सभी ऑल एंडेड सेफली। आपका सामान सही सलामत आ चुका है। सर आगे क्या आदेश है? सामान सही समय पे पहुंच जाना चाहिए। सर यू डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मैं संभाल लूंगा सर। ये काम बहुत सफाई से होना चाहिए, समझ रहे हो? जी सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ओके सर। ओके। पृथ्वी सिंह, तुम मुझे एक घंटे के बाद कोर्ट में। काम हो गया सर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब, मैं इस केस की अहम कड़ी एसपी तेजवीर सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। तेजवीर साहब बताइए, 8 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में आपने क्या पाया? जज साहब, पिछली सुनवाई में जो कुछ भी कहा गया सब गलत था। पहली बार जिसे अपराधी साबित किया जा रहा था वही असली अपराधी है। ये तीनों बच्चे निर्दोष हैं। रही प्रमोद मित्तल साहब के सबूतों की बात, तो मैंने उनकी जांच कर ली है, वो सब खारिज है। ये रही उनकी रिपोर्ट। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी बात से पलट रहे हैं आप। बहुत बोलते हैं आप। जज साहब, अक्सर लोग पैसों से इंसाफ खरीद लेते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। मैंने भी खरीदा है इंसाफ दीवान साहब के पैसों से। पहली सुनवाई के बाद मैंने एक अमीर बाप के सामने कानून को बौना और बेबस पाया। साथ में एक बाप का प्यार भी देखा, जो अपने अपराधी बेटों को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, और मैंने उसका साथ दिया। और उसी दिन मैंने स्पेशल फोर्स के साथ उसके बच्चों को थाईलैंड भिजवा दिया, जहां वो बिल्कुल सुरक्षित थे। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो कानून के खिलाफ किया, और इसके आगे जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं इस वर्दी में नहीं कह सकता, इसलिए ये रहा मेरा इस्तीफा। जनाब, ये कानून का कैसा मजाक बनाया जा रहा है? मजाक तो समाज का बनाया जा रहा है, जहां एक रेपिस्ट ना तो 3 साल की बच्ची देखता है ना 80 साल की दादी मां। क्या है ये बीमारी? और क्या है इस बीमारी का इलाज? कुछ नहीं। मैंने ढूंढा एक इलाज। पृथ्वी सिंह। जी जनाब। उन्हें अंदर लाओ।
दीवान साहब, मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपके बच्चों को मरने नहीं दूंगा। मैंने अपना वादा निभाया है। आपसे मैंने 4 करोड़ रुपए लिए थे, मेडिकल बिल और थाईलैंड आना जाना मिलाकर 3 करोड़ 75 लाख रुपए हुए। थाईलैंड के बहुत बड़े अस्पताल में जेंडर चेंज कराया है इनका। अट्ठारह महीनों में पूरी लड़की हो जाएगी। रहे बाकी के 25 लाख, आप तक पहुंच जाएंगे। जज साहब, मैंने गोली मार देता फिर क्या होता? ये मर जाते फिर? मुझे इनकी आंखों में तड़प देखनी थी जो कोमा में पड़ी उस लड़की की है, जो उसके बेबस बाप की है, जो इंसाफ मांगते उन 5 बच्चों की है, और जो इनके पीछे खड़े 1,000 लोगों की है। मेरा फैसला सुनने के बाद आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। पहली बार मैंने अपने आप को बेचा ताकि मैं इंसाफ खरीद सकूं। एसपी साहब के सबूतों से साफ जाहिर है कि ये तीनों बच्चे, राम प्रताप सिंह, विक्रम त्यागी और अनिल शर्मा, बेगुनाह और बेकसूर हैं। अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। ऑर्डर, ऑर्डर। जिस बीमारी का जिक्र एसपी साहब ने किया है उससे मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। दुखी हूं मैं। इस बीमारी का इलाज होना ही चाहिए क्योंकि पूरा देश हमसे इलाज मांग रहा है, और जो सजा एसपी साहब ने इन्हें दी है उससे मैं भी मुत्तफिक हूं। इसके अवज इस देश का कानून जो भी सजा मुझे देना चाहे मुझे कबूल है। ये लड़ाई तो जीत ली है पर युद्ध अभी बाकी है। ये युद्ध हमें अपनी मां, बहन और बेटी के लिए लड़ना है, और जीत भी तब मिलेगी जब भारत की हर बेटी भारत के हर कोने में हर वक्त अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। मुश्किल नहीं है जीत, सिर्फ सोच और नजरिया बदलोगे।